अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मैं आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारी जो वीडियो का टॉपिक है ना, वो है कि मुर्गियों को सर्दियों में कैसे बचाएं सर्दी से, ठीक है, और शेड को किस तरह कवर करना चाहिए और अंदर से शेड कैसे होना चाहिए। अच्छा, ये नीचे ना इनके वो डाली हुई थी तूड़ी, जगह तो नीचे से खुशक ही है वैसे तो। ये देखो, यहाँ पे हमने ना ये तूड़ी डाली हुई थी और साथ मट्टी भी है और तूड़ी भी है। ये देखो, ये हमने और ये साथ में ना ये इनके बैठने के लिए डंडे लगाए हुए हैं, ठीक है, इन पे बैठ सकती हैं, इससे सर्दी भी कम लगती है इनको। तो ऊपर ना ये बल्ब लगाए हुए हैं हमने, ये रात में ना चलते रहते हैं जिस वजह से अंदर हीट भी होती रहती है, और इनको चारों तरफ से कवर करना है हमने। इस तरफ से भी कवर करेंगे, इस तरफ से भी करेंगे, इस तरफ से भी, और ये दरवाज़ा बंद कर देते हैं रात को, तो ये ऊपर से ना थोड़ा सा खुला रहने देते हैं एरिया, क्योंकि अंदर वो इनकी गैस जो बिट्ठों की गैस है ना, वो ना बने, अंदर बदबू होने की वजह से भी इन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। ऊपर से थोड़ा थोड़ा हमने ना, ये देखो, इस साइड से भी, इस साइड से भी हमने थोड़ा सा, यानी कि ऊपर वाली जगह से ना हमने छोड़ा हुआ है, जाली पे वो नहीं लगाते, ठीक है, तो इस साइड से भी हम तकरीबन ऊपर से बंद कर देंगे, थोड़ी सी साइड रह जाएगी, थोड़ी सी ओपन जगह ऊपर से, क्योंकि अंदर गैस वगैरह ना बने, इनको कोई सांस का प्रॉब्लम ना हो मुर्गियों को। तो नीचे से कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो खुड्डा या शेड है ना, उसको खुश्क ही रहना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। इनको पानी की कोशिश करते हैं, पहले हमने ये बोतलें लगाई हुई थी, यहाँ पे पानी के बर्तन रख देते थे, अब सर्दी है, सर्दी की वजह से हम यहाँ पे अंदर पानी नहीं देते, बाहर ही देते हैं पानी सिर्फ, वो हमने बाहर रखी हुई हैं बोतलें, वहाँ पे पानी पी रही हैं, क्योंकि सर्दी में फिर वो पानी पी जाती हैं, उस वजह से सर्दी भी लग सकती है इनको, तो इस वजह से ये मुकम्मल हम बाहर से बंद करते हैं। तो फिर हमें आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने शेड को मुकम्मल बंद किया है बाहर से। ये जी, मैंने मुर्गियां सारी बंद कर दी हैं, अब मैं इसको कवर करूंगा शेडों से चार तरफ से, फिर आपको बाहर से दिखाऊंगा कि किस तरह मैंने कवर किया है। देखिए जी, हमने अपने शेड को कवर कर दिया, सिर्फ ऊपर से थोड़ा सा सुराख छोड़े हुए हैं सिर्फ सांस के लिए इनके लिए। ये देखो, नीचे से मुकम्मल, कहीं से नीचे से हवा ना जाए अंदर कोई। ये देखो, इस तरफ से भी मुकम्मल बंद किया हुआ है, आपको अंदर से भी दिखा देते हैं। ये देखो, हम यहाँ से अब लाइट को ऑन करेंगे, ये हमने लाइटें ऑन कर दी हैं, तो ये पहले भी बताया था आपको कि यहाँ से सांस के लिए नीचे से कोई नहीं है सुराख, सिर्फ ऊपर से सांस के लिए, इस तरफ भी और उस तरफ भी छोड़ा हुआ, उस तरफ से मुकम्मल बंद है। और ये हमने इसके अंदर टेम्परेचर मीटर लगाया हुआ है, ठीक है, तो 20 अंदर टेम्परेचर है, अभी बाहर थी ना मुर्गियाँ, अब अंदर आई हैं, इसका टेम्परेचर भी बेहतर हो जाएगा आगे से, तो इनके ऊपर चढ़ के बैठ जाएंगी जैसे ये बैठी हुई हैं, ठीक है, कुछ वो बैठी हुई है जैसे उस तरफ बैठी हुई है, इनके ऊपर बैठ जाएंगी, तो नीचे भी खुशक जगह हैं, ठीक है, तो सारी रात ईजीली आसानी से गुजारेंगी, ठीक है, इसमें कोई नमी वगैरह नहीं है नीचे भी। तो इस तरह आप लोगों ने अपने शेड को कवर करना है, या कुछ छोटा घर में खुड्डा वगैरह हो। नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए, तब तक अल्लाह हाफिज़।